नजर, चोरू और जमीन, इस दुनिया के झगड़े दीन, खून हुआ इंसाफ का, लाल हुई ये जमीन, कैसी दुनिया, कैसे लोग। दर्शकों, अभी तक आपने देखा किस तरह सुमित्रा की तरह तरह से व्यंगात्मक कटाक्ष कर खिल्ली उड़ाई जाती है। एक दिन अचानक उसे चक्कर आते हैं। अमित उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। चेकअप के बाद डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। ये तो प्रभु का चमत्कार ही था कि जो माँ बनने के लिए मेडिकली फिट नहीं थी, वो आज गर्भवती हो जाती है। इधर विजय व भानु लाला राम की जमीन अपनी ताकत के बल पर कम पैसों में खरीद लेते हैं। अमित विजय को भाभी के गर्भवती होने की फोन पर खबर सुनाता है। विजय भी आश्चर्य में पड़ जाता है। सच्चाई क्या है ये जानने के लिए वो डॉक्टर के पास जाने के लिए निकलता है। अब आगे आइए आइए विजय साहब, बैठिए। भाई मुबारक हो, आपको अमित ने बता तो दिया होगा कि आप बाप बनने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं डॉक्टर साहब, मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही पत्नी है। तो मैं कहाँ किसी और के बारे में बात कर रहा हूँ विजय साहब, मैं भी तो सुमित्रा भाभी के बारे में ही बात कर रहा हूँ। भाभी माँ बनने वाली है। हाँ भैया, डॉक्टर साहब सच कह रहे हैं, भाभी ना माँ बनने वाली है। झूठ बोलकर सच्चाई को दफन करना अच्छी बात नहीं है डॉक्टर साहब, और फिर तुम अच्छी तरह से जानते हो कि झूठ की नींव पर इमारत खड़ी नहीं की जा सकती। ये झूठ नहीं, सच है विजय साहब, और जिसका प्रमाण है टेस्ट रिपोर्ट जो चीख चीख कर बता रही है कि सुमित्रा भाभी माँ बनने वाली है। और ये रिपोर्ट भी तो आप ही के हाथों की लिखी है डॉक्टर साहब, इसमें आप ही ने लिखा है कि सुमित्रा कभी माँ नहीं बन सकती। अब मैं तुम्हारी इस रिपोर्ट को सच मानूं कि इसको? ये दोनों रिपोर्ट ही सही है। अब जो भी हुआ है वो एक भगवान का चमत्कार है। चमत्कार चमत्कार चमत्कार, तुम भी इन्हीं की तरह चमत्कार का इनारा लगाने। मैं किसी भी चमत्कार को जब तक चमत्कार नहीं मानता जब तक वो साकार होकर मेरे सामने ना आ जाए। अब वो दिन दूर नहीं है जी जब आपको मेरे प्रभु का चमत्कार मानना ही पड़ेगा। मैंने कहा ना, मैं सारे बुरे धंधे छोड़कर तुम्हारे भगवान के चरणों में अर्पित हो जाऊं। अब तुम लोग यहाँ से बाहर जाओ, मैं डॉक्टर से कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। चलो भाभी हम घर चलते हैं। आओ। डॉक्टर वर्मा जी कहिए। अब जरा मेरी बात गौर से सुनो, अगर तुम्हारी ये बात निकली सच तो समझ लेना कि पूरे शहर में तुम्हारा ये छोटा सा नर्सिंग होम एक बहुत बड़ा नर्सिंग होम बन जाएगा। जी क्यों नहीं। और अगर तुम्हारी ये बात निकली झूठ तो अच्छी तरह से समझ लेना, लोग बाग भी ये भूल जाएंगे कि इस शहर में कोई डॉक्टर वर्मा और इस जगह पर डॉक्टर वर्मा का कभी नर्सिंग होम भी हुआ करता था। समझे? जा रहा। कुछ दिन सेफ्टी बरतनी होगी, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा भाभी। हे भगवान, कुछ दिन के बजाय महीनों तक? मुझे तो पहले से ही शक था भैया, डॉक्टर ने जरूर कोई गंभीर बीमारी बताई होगी जिसका इलाज इतना लंबा।
हाँ भाभी हाँ। लेकिन वो है क्या? भाभी वो ऐसी बीमारी है जिसकी हमें उम्मीद ही नहीं थी। अगर आप भी सुनोगी ना तो आपका भी कलेजा ना धक धक करने लगेगा भाभी। ये कौन सी बीमारी है? इस बीमारी का नाम है झटका। झटका? चलो भाभी अंदर आराम करो। कहीं मार्केट में कोई नई बीमारी तो नहीं आ गई? और ये देवर भाभी कुछ छुपा रहे हैं कुसुम तुझसे, पता तो करना पड़ेगा आखिर माजरा क्या है। हेलो यस बॉस, काम हो जाएगा बॉस। लाल सिंह बाहर निकालो इसे। तुम मुझे कहाँ कह लिया है? जहाँ तुम्हें जाना है। लेकिन ये रास्ता तो मेरे घर को नहीं जाता। जानता हूँ लाला, ये रास्ता तेरे घर नहीं शमशान घाट जाता है। शमशान घाट। शमशान घाट क्यों? शमशान घाट क्यों? क्योंकि क्योंकि तुम कुछ देर बाद मरने वाले हो। पुलिस 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 ओ भाग गया भाग गया भगाओ। मौत से आज तक कोई भाग सका है लाला? जो तुम भाग रहे हो। मैं भी मरना नहीं चाहता। छुट्टी छुट्टी तुम्हारी हर चल तो मैंने मार ली है और तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए ये भी ले जाओ। यही तो तुमने गलती की है लाला। तुमने उन कागजातों पर नहीं अपनी मौत के वारंट पर साइन किए है तुमने। जिंदा तो तुम दिखोगे लाला, लेकिन भूत बनकर।